गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले मेरा लाइन जो है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो भाई मैं बहुत दिन से व्यस्त था घर में, तो घर अभी कुछ बना, थोड़ा बहुत बचा है, 70% हो गया। ठीक है, तो चलिए आज दिखाते हैं किस तरह से अपना फार्मिंग हो रहा है। भाई आधा से बेसी अपना कटाई वटाई हो गया है, तो भाई आधा से ज़्यादा अपना कटाई वटाई हो गया है। मैं घर पर था, कुछ दिन से आ ही नहीं पा रहा था, तो चलिए आज आया हूँ। तो चलते हैं, दिखाते हैं अपन लेबर कैठे लगे हैं और कितना हो गया, और भूसा वूसा भी कट गया, मतलब गेहूँ कट गया है। ठीक है, तो ये अपना खेत। एक चीज़ दिखाना था आपको, सहजन, शायद जानते हो या नहीं जानते होंगे, उसका पेड़ है मेरे पास, फरा हुआ है। चलिए आइए दिखाते हैं पास से। भाई ये देखिए, सहजन का पेड़ है, जो कि काफ़ी, इसके जो निकलते हैं जो फ्रूट्स हैं, ये काफ़ी लाभदायक हैं। ये फरा हुआ है, दिख रहा है ना। चलिए पास में दिखाते हैं, थोड़े हाथ से थोड़ा ऊपर है पेड़। देखिए, जिसको भी चाहिए जल्दी जल्दी आके ले जाओ भाई, बहुत अच्छा काम है ये वाला है। ये सहजन, ये हाँ, ये जो दिख रहा नहीं, यही वाला है, उतना ऊपर है। एक यहाँ पास में है, लोग जान गए होंगे यार, सहजन सहजन। ठीक है, तो चलिए आज का ब्लॉग दिखाते हैं, थोड़ा खेत से अपने जुड़े हुए देसी फार्मिंग से। तो देखिए भाई, इधर अपना जो पूरा खेत है कटा हुआ है, पूरा नीचे तक है। देखिए बोझा बना हुआ है, ठीक है, बोझा इसको बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते हैं। और देखिए कुछ थ्रेसरिंग हुआ है उधर, देखिए थ्रेसरिंग भूसा हुआ है। चलिए पास से दिखाते हैं, ठीक है, करते हैं आज का वीडियो, आप सबको पसंद आएगा। भाई भाई देखो, ये अपना है आम का बगीचा, जिसमें 10-15 आम लगे हुए हैं, और 8-10 अमरुद का बगीचा है, पेड़ है। ठीक है, यही सब है इधर, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो भाई आशा करते हैं आज का वीडियो कुछ अच्छा होगा, मनोरंजन लायक होगा। तो आप सबको दिखा देते हैं, पहले बम्बू का पेड़ है। बम्बू भाई दो चाल का होता है, मतलब दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ बम्बू, एक जंगली बम्बू, एक गांव वाला बम्बू। तो भाई बोलेंगे भाई जंगली बम्बू कैसे पहचानते हैं, तो भाई जंगली बम्बू जो होता है पतला होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है, देख सकते हैं किस तरीके से पतला पतला है इसका, बनता है गोजी, लठ, अखाइन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठेठ। ठीक है, तो डू यू नो अबाउट दिस बम्बू। चलिए आइए चलते हैं दूसरे पेड़ की तरफ। ये जामुत का पेड़ है, जामुत आप सब जानते ही होंगे, जानते होंगे, देख लीजिए जामुत का पेड़ है मेरे पास, 4-5 जामुत का पेड़ है। इधर अमरुद का पेड़ है, उधर शीशा है एक, देखिए पतला सा वाइट वाला। ठीक है, दिखाते हैं सूख गया इसमें, ये अपनी धन्ना बुलेट R15 जो भी इसको बोल लो, कमिंग सॉन्ग आने वाली है जल्दी से भाई, R15 लेने वाला है भाई जल्दी से, पहले मोनेटाइज हो जाए चैनल तब। ये देखिए अपना बरसिंग का खेत है, बरसिंग का खेत है अपना, ये बरसिंग जो गाय खाती हैं, भैंस खाती हैं, दूध देती हैं, खा खा के। ये बबूल का पेड़ है, बबूल का पेड़ है। ठीक है, और एक चीज़ और दिखाना है, देखिए इधर का हार्वेस्टिंग हो चुका है, मतलब थ्रेसरिंग हो गया, कटाई के बाद थ्रेसरिंग होता है, तो कट चुका है। ठीक है, भूसा गजा हुआ था 4-5 किधर था, बाकी उस साइड है अपना, एक बोरिंग उधर है। तो ये कुआं दिखाते हैं, कुएं में एक अजीब चीज़ है, अपने कुएं में जो है कबूतर ने बच्चा दे दिया। ये कौन सा जानवर भाई, ये कौन सा जानवर है ये? तो भाई आपको दिखाते हैं, कबूतर ने बच्चा दिया है, उसके अंडे, पहले अंडे दिया, अंडे से बच्चे हो गए। चलिए 1-2-3 दिखाते हैं, जूम इन 10 पे भाई, जूम करो, दिखा आप लोग को, वही है ये, सॉरी गाइस, ये जो वहाँ पे है भाई, वही 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 रही यार, सबको दिख गया होगा। चलिए दूसरा दिखाते हैं ब्लॉग, ठीक है, कुएं निकला कबूतर, कैसा लगा आपको भाई? तो देखिए अपना खेत हो गया है, उसका पेड़ है भाई, भाई देखो बौर आ गया इसमें, एक दो आया है बौर, देख लो आम, छोटे छोटे आम फरेंगे। अरे है नींबू, नींबू का पेड़, नींबू, लेमन लेमन। ठीक है, ये अपना कट चुका है, महुए का पेड़ है इस साइड भी। चलिए दिखाते हैं, महुआ गिर रहा है हमारा, मतलब वीडियो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आम के पास निकलो ना, तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे जानवर रहते हैं, ऊपर बैठने लगते हैं। तो अभी भाई पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, मोबाइल दर जा रहा था तुरंत खटखट। तो चलिए उस साइड दिखाते हैं, महुए का पेड़ है, महुए में
हुआ गिरा इसमें। चलिए आइए भाई, ये खेत है, ये है महुए का पेड़, ये है महुआ, इसको भी साफ करना है खेत। ठीक है, यही महुआ है, महुआ इसका बनता है बियर, दारू। ठीक है, चलिए चलते हैं खेत के अपने नीचे वाले साइड। ठीक है, अपर था है, नीचे मिडिल है, उसके बाद नीचे भी है। तो यही इस पे था, यही था मैं खड़ा था कब का, यही है वो सीन। ठीक है, बोलते रहो। तो भाई इसमें इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप सबके इलेक्शन में क्या प्रभाव है, किसको वोट दे रहे हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइए। और मिर्ज़ापुर के सांसद चेतन प्रिया पटेल जी, उनको क्या आप सब सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कितना नुकसान हुआ भाई। ठीक है, सरकार को देखो भाई, गवर्नमेंट को किसान को खरिहान देना चाहिए, वो भी प्लास्टर वाला। पास करो भाई, 1.5 लाख का पास कर दे तो अच्छा रहेगा ना। गुस्सा है, मज़ा तब आता है, गुस्सा तब आता है जब घर वाले बोलते हैं गेहूँ रखने के बाद भूसा भी रखना है आज ही। ये वाला वीडियो देखेंगे नहीं आप लोग, गेहूँ रखने के बाद बोलते हैं भूसा भी रखना है आज ही। ठीक है, तो भाई देखिए गुड़ियों का ढेर लगा हुआ था, तो गुड़ियों का ढेर लगा हुआ है, इसको भी ले चलना है उधर उस साइड। ठीक है, चलिए थोड़ा सरिया देते हैं। गम्मा के हम देसी बालक, अभी भाई अपना वर्कआउट मतलब जब घर बन जाएगा उसके बाद हम लाएंगे बॉडी थोड़ी। तो भाई हमको कुछ काम बता रहा है ना, घोड़ी पर कर रहे हैं भाई, हमने घोड़ी काउंट करके उसको बुलिया लिया है, उसके बाद ले चलते हैं, चलिए दिखाते हैं। तो भाई यही घोड़ी था जो कि बिखरा था पिछले कुछ वीडियो बैक कर देखेंगे, एक यहाँ दो बंडलों में बनाया, ले चलते हैं। ठीक है, तो भाई हमने रस गुड़ी को भी देना है, तो चलिए मोटर चलाते हैं। ठीक है, पहले उसके बाद मोटर चलाने के बाद उसको भेजा जाएगा। भाई देखो तूत था अपना ख़राब हो गया पूरा, क्योंकि हम लोग आ नहीं पाए खेती 4-5 दिन, इसी वजह से इसको पानी नहीं मिला तो सूख गया। तो भाई ये अपना बोरिंग वाला खेत, मतलब खेत वाला बोरिंग, इसमें ताली बंद है, ताली के नीचे सरप्राइज, उनको चलाना है हरा वाला दाबने से मोटर चल देता है। चल दिया, 200 फीट ढीला हो भाई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आम का पेड़ घर है, इधर पपीता है। ठीक है, यही तूत है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 पेड़ जितना भी होते हैं। चलिए पहले गुड़ी भेज देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए भी काटना बचा है, 4 बीघे 4.5 बीघे है, 5-6 बीघे ठेसरिंग हो गया है, अभी 3-4 बीघे कटा हुआ है। ठीक है, तो पूरा भी काटना हुआ भाई। आप सब बताइएगा, जितने लोग वीडियो देखेंगे कमेंट करिएगा, आप सबकी साइड पानी बोरिंग कितना दे रहा है। मेरे से तो इतना दे रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा है, इतना ही दे रहा है। ठीक है, इतना बहुत है, बट इतना कंटिन्यूसली देता हूँ ना, शायद कुछ साइड कुछ टाइम बाद ये भी ख़त्म हो जाता है। बूढ़ी को भेना है, जानते होंगे कि फार्मिंग करने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, तो वही सब है। फिलहाल मैं 4-5 दिन बाद आया हूँ, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आया हूँ खेत पे, लगता है कल से फिर नहीं आ पाऊँ। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा आज का वीडियो बना देता हूँ, एक बहुत दिन से हो गया भाई। पहले बता दूँ कितने लेबर लगे हुए हैं, ना गेहूँ कट रहा है, 5-6 ठो लेबर लगे हुए हैं बाहर से, यहाँ दक्षिण से। ठीक है, अपना परवल वाला खेत है। चलिए अभी छुट्टी होने के बाद दिखाएंगे पूरा ब्लॉग, और बनाएंगे तो बन रहा है। आज का ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं, हमने काफ़ी दिखाया। ठीक है, पीछे मारा तूत है भी दिखाया, तो भाई बच चुके हैं 11, लेबरों को मैंने छोड़ दिया, छुट्टी हो गई। तो बाय बाय, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर के खटाक खटाक।